बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त गुल खान। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि असील मादी कितने एग्स ले करती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक भी आपने लाजमी देखना है। तो जी टॉपिक जो शुरू कर दें, तो असील मादी जो है कितने एग्स ले करती है। काफ़ी दोस्तों का ये सवाल रहता है कि असील मादी कितनी एग्स ले करती है। किसी पाइक दोस्त के पास जो है ना मादियाँ 15 एग ले करती है, किसी के पास 10, किसी के पास 7, किसी के पास 18, और किसी के अगर 25 कर जाती है तो वो समझते हैं कि ये देसी का क्रॉस है, इसने 25 एग ले कर दिए, 20 एग जो है ले कर दिए, तो ये शायद देसी का क्रॉस ना हो। तो असील मादियाँ जो होती है वो 5 एग्स भी ले करती है, 7 भी करती है, 10 भी करती है, 12 भी करती है और 20-25 भी कर देती है। 20 और 25 कौन सी मादियाँ जो है एग्स ले करती है? 20-25 मादियाँ वो एग्स ले करती जो शुरू में स्टार्ट हो, यानी कि 10 माह की हो जाए, 11 माह की हो, 8 माह की, 9 माह की, जब वो एग ले करना स्टार्ट करती है तो 20 से 25 अंडे पहले क्लच में उतारती है। ये पहला क्लच उतार के कुड़क हो जाती है, ज़्यादातर मुर्गी कुड़क हो जाती है। कोई मुर्गी कुड़क ना हो तो उसमें फिर क्या होता है, एक महीने तक वो अंडे वगैरह कुछ भी नहीं देगी, जो है ना खाली घूमती रहेगी, या 1-2 महीने के लिए। फिर इसके बाद जो दोबारा एग्स पे ले करेगी तो फिर वो कितने एग्स देगी? फिर वो देगी 15 एग्स या 14 एग्स देगी या 16 एग्स। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जैसी क्लच जो उतारती जाएगी तो उसकी जो है ना अंडों की मकदार भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता कम होती रहेगी। जो फिक्स एग मकदार हो जाती है वो होती 12 से लेकर, यानी कि 8 अंडों से लेकर 12 अंडे तक हर असील मादी जो है ना एग्स उतारती है। 8 अंडे भी उतारती है और 12 अंडे, ये ज़्यादातर ही होता है, यानी कि 90% ये रेशो आते हैं। कुछ कुछ मादियाँ जो होती है वो 16 अंडे भी दे जाती है, 16, 18, 20 अंडे भी कोई कोई मादियाँ देती रहती है, लेकिन जो एक रेशो है वो है 8 से लेकर 12 अंडों तक का रेशो है। मेरे पास अलहमदिल्ला मादियाँ हैं जो 10-10 एग ले करके उसके बाद जो है कुड़क होती है। एक मादी ऐसी भी जो 7 एग ले करती है, उसके बाद वो एग ले और नहीं करती। तो और जो मादियाँ 20 या 18 एग्स ले कर देती हैं तो वो देसी मादियाँ नहीं होती, यानी कि ये ना समझे कि वो उनके अंदर देसी का क्रॉस है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। क्योंकि देसी मादियाँ जो होती है वो देती 200 अंडे देती, 260, 240, इस तरह तरीके से जो है ना अंडे दिए और वो मुसलसल देती चली जाती है। ये नहीं होता देसी मादी के अंदर कि वो 20-25 अंडे दे के उसके बाद जो है ना वो कुड़क हो जाए या फिर वो रुक जाए, फिर 2-3 महीने को दोबारा इस तरह स्टार्ट करे। देसी मादी कहते हैं कि एक बार उसने कंटिन्यूस अंडे देना स्टार्ट किए तो वो मुसलसल जो है एग्स ले करती रहती है। असील मादी कहते हैं कि वो एक मकदार होती है, उसमें मकदार अंडे उतारने के बाद फिर वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर चली जाती है, फिर उसके बाद दोबारा एग ले करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, असील मादी कितने एग्स ले करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।